केदारनाथ के दर्शन और ट्रैक करने के बाद, चंद्रशिला का ट्रैक करने के बाद, आज है डे 3 और हम लोग रुके हुए हैं चौपटा से 20 किलोमीटर नीचे और एक अच्छे से होम स्टे में। यहाँ से 50 मीटर नीचे एक नदी है और इसके बाद हमारे गैंग के लोग सारे लोग जाएंगे देवरिया ताल का ट्रैक करने। तो दिखाते हैं आपको यहाँ के नज़ारे। सारी विलेज इस नाम का गाँव है, सारी विलेज है, पूरी वैली, और यहाँ से ऊपर कुछ रोड है, वहाँ से नीचे हमारा ये होम स्टे है। होम स्टे नीट एंड क्लीन है, कोई इशू नहीं है। अभी हम नीचे नदी में चलते हैं और आपको दिखाते हैं नदी के नज़ारे। अभी हम जा रहा हूँ अभी हम जा रहा हूँ नीचे रिवर की तरफ, बहुत ही सकरे रास्तों से गांव से होते हुए। जाओ चिंटू जाओ, देख रहे हैं कितने पुराने घर बने हुए हैं, किस तरीके से भैंस बंधी हुई है। प्योर दूध लीजिए और जीवन यापन करिए। नीचे चलते हैं, कुछ टाइम लैप्सेस लेते हैं। ये सब पुराने पुराने घर बने हुए हैं, इतनी ग्रीनरी में चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़, पहाड़ी पहाड़, और नीचे से पूरी रात नदी की आवाज आती रही है। नदी इतनी हाई फ्लो वाली नहीं है, नदी अच्छी है। वाह, यहाँ तो डोम्स बने हुए हैं रुकने के लिए, टेंट टाइप के। ये देख रहे हैं, ऊपर एक नदी का पुल जाता है, काफी पुराना लग रहा है, 100-150 साल पुराना टाइप का, फॉरनर्स ने बनाया होता है जैसे अंग्रेजों के जमाने के। शायद आवाज आ रही होगी कैमरे में पूरा। ये नदी जाती है, कैसी लगी नदी? अच्छी लगी हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी हम नीचे चलेंगे, प्यार दीजिए मेहनत को और अच्छी अच्छी जगहों पर जाएं और आपको दिखाएं। पूरा जंगल वाला रास्ता है भाई नदी तक जाने के लिए पूरा। हालांकि इस ट्रिप पे ना एडवेंचर की कोई कमी है ही नहीं इस बार, दिखाते हैं।
नहीं बिना रास्तों के रास्ते खोजे हमने। इस भाई ने ये यहाँ के ऑलमोस्ट लोकल हैं, ये देख रहे हो किस तरीके का हडल करके पूरे जंगल में से बिना रास्ते खोजते हुए हम यहाँ तक आए। पता नहीं ऊपर की तरफ चला गया। आई थैंक यू बोल दी। Thank you.